देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को देश भर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह आंकड़ा 3000 को पार कर चुका है। www.covid19india.org के मुताबिक देश भर में 3671 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें से 3289 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही 99 लोग अब तक जान भी गंवा चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 283 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक 89,950 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 3,113 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 635 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें से 551 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि 32 लोग अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं तमिलनाडु में 485 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो 445 लोग संक्रमित हैं, दिल्ली में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं केरला में 306 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और यहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब यहां पर पंजाब के भी केसेस देखते हैं कितने हो चुके हैं। पंजाब की बात करें तो कुल केसेस 65 हो चुके हैं और एक्टिव केसेस में 57 है। 5 हालांकि ठीक होकर घर भी वापस गए, जिसमें से 3 की मौत भी हो चुकी है। तो अब तक कुल जो आंकड़ा है वो 57 एक्टिव केसेस का पहुंच चुका है। ईशा हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं पंजाब से और वहां के हालात हमें बताएंगी। ईशा, ये बताइए कि क्या 24 घंटे में नए केसेस वहां पर सामने आए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, और 2 मामले जो है देर रात सामने आए हैं। कुल मिलाकर अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 67 मामले जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके सामने आ चुके हैं, जिनमें से जो 2 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं और 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु भी यहां पर हो चुकी है। लेकिन साथ लगते अगर हरियाणा की हम बात करें तो वहां की चिंताएं बढ़ गई हैं। 24 घंटे में 32 नए मामले सामने आए हैं और आज ही 5 नए मामले सामने आए, जिसमें से 4 मेवात से और 1 गुरुग्राम से सामने आया, और ये सभी तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं लोग जिनके मामले सामने आए हैं, जिसके चलते अब हरियाणा की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर अगर मरीजों की संख्या की बात करें तो हरियाणा में 76 हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आज ही वहां पर 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें नालागढ़ से 3 जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनके कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और साथ ही जो बद्दी की महिला थी जिसकी चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में मौत हुई थी उसके संपर्क में आने से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, यानी कि कुल मिलाकर हिमाचल में भी 13 हो चुके हैं केस। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर 18 केस पॉजिटिव है, जिसमें से 3 ठीक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए उत्तर भारत की तो आंकड़ा 300 के पार है। ऐसे में चिंताएं सरकारों की लगातार बढ़ती जा रही है और देखना होगा कि जो लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है इसे आगे बढ़ाया जाता है या नहीं। और पंजाब के मुख्यमंत्री ही कह चुके हैं कि 14 अप्रैल तक अगर स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तो पंजाब में कर्फ्यू 1 महीने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। जी, बहुत बड़ी जानकारी है हमारी संवाददाता ईशा देते हुए कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ कर चुके हैं कि अगर हालात काबू में नहीं होते हैं तो ये कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा सकता है, 1 महीने तक ये कर्फ्यू चल सकता है। ये पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर है, जिनके मन में कहीं ना कहीं होगा कि क्या लॉकडाउन या कर्फ्यू 14 अप्रैल के बाद खुलेगा या नहीं। खबर ये भी मिल रही है ईशा कि सख्ती इतनी ज्यादा सरकार की तरफ से कि अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा या लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उनका पासपोर्ट भी रद्द कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में लगातार देखा गया कि लोग कर्फ्यू होने के बावजूद बाहर आ रहे थे और बरनाला में कई लोगों पर जो केस भी किया गया है और कल उन्हें करीब संख्या बताई जा रही है कि 70 के करीब लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू के बावजूद लोग, जैसे पहले भी हम ये खबर दिखा चुके हैं कि लोग किस तरीके से जो ढील दी गई है उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। सख्ती यहाँ पर दिखानी बहुत जरूरी है क्योंकि संपर्क में आने से लोग लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी जो है इस पूरे मामले को
काफी लाइटली ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भारी तादाद में लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर सब्जी मंडी की बात करें तो लुधियाना और सेक्टर 26 चंडीगढ़ की मंडी की बात करें तो यहाँ पर सुबह 3 बजे मंडी खुलती है, और यहाँ अगर आप लोगों की बात करें तो आपको सैकड़ों लोग दिखाई देंगे जिनकी तादाद जो है लाखों में होती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है वो नजर नहीं आती है। सुबह के वक्त भारी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें भी दिखाई है जो सब्जी मंडी से अक्सर देखने को मिली है। देखिए, लोगों को भी ये समझना होगा, एक खुद की उनकी जिम्मेदारी है, उनके हित में है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें अगर वो जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। शुक्रिया ईशा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।